हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे पैटर्न की वीडियो 3। ये भी इजी है, ठीक है। आपने पहली दो वीडियोस अगर देखी हैं तो आपको थोड़ा लॉजिक समझ आ गया होगा। अभी हमारी तीसरी वीडियो है, इसमें आप इसमें भी देख रहे हैं हमको स्टार प्रिंट कराने हैं, और इसमें कितनी रोज़ हैं? 5 रोज़ हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 रोज़ हैं। पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो ये उसका उल्टा है बिल्कुल। पहली रो में हमको एक स्टार प्रिंट कराना था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और 5वें में 5। लेकिन इस बार उल्टा है, पहली रो में हमको 5 स्टार प्रिंट कराने हैं, दूसरे में 4, और एक एक कम करते जाना है और लास्ट रो तक जाना है। रोज़ इसमें कितनी है आप देख रहे हैं? रोज़ इसमें भी 5 ही हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक डिफरेंस है कि पहली रो में 5 स्टार प्रिंट कराए हैं, दूसरी में 2 प्रिंट कराए हैं, तीसरी में 3 प्रिंट कराए हैं। इसका मतलब हमको रो वाला जो लूप है वो चलाना तो 5 बार ही है, लेकिन जो कॉलम वाला लूप है वो थोड़ा अलग तरीके से चलेगा। मतलब उसको पहली बार में सबसे ज़्यादा बार चलना चाहिए, दूसरी बार में एक कम बार चलना चाहिए, तीसरी बार में एक कम और चौथी बार में एक कम, और पांचवी बार में एक बार केवल चलेगा। तो अगर हमको 5 बार अपनी रोज़ चेंज करनी है तो हम आई को 1 से 5 तक चला सकते हैं या 5 से 1 तक चला सकते हैं। तो दोनों केसेस में हमारे पास हमारा लूप 5 बार ही चलेगा। तो इस केस में हम आई को 5 से 1 बार चला रहे हैं, तो 5 से 1 तक हमने लूप चलाया, तो ये 5 रोज के लिए ही चलेगा। सॉरी, आई यहाँ पर हम माइनस माइनस करेंगे क्योंकि हमारा लूप 5 से 1 तक जा रहा है, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और हर रो के अंदर हमारा रो के अंदर स्टार कितनी बार प्रिंट कराना है ये डिपेंड करता है हमारे किस रो में हमें, तो इसका मतलब जे डिपेंड करता है आई पर। जे हम चलाएंगे 1 से लेकर जे जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, और जे प्लस प्लस। तो पहली बार जब जे 1 से चलेगा तो पहली बार पहली रो में जे 1 से लेकर 5 तक चलेगा, दूसरी रो में आई की वैल्यू क्या होगी? 4, तो जे चलेगा 1 से लेकर 4 तक। तीसरी बार आई की वैल्यू क्या होगी? 3, तो जे चलेगा 1 से लेकर 3 तक। तो धीरे धीरे एक एक करके जैसे जैसे आई की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे जे एक एक बार कम तक चलेगा। 5 बार चलेगा आई, 5 रोज प्रिंट होंगी, लेकिन आई कम होता जा रहा है जिसकी वजह से हमारा जे भी जो है वो भी कम बार चलेगा। और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करा लेंगे? वही स्टार हम इसके अंदर प्रिंट करा लेंगे। और एक बार एक रो में अगर स्टार प्रिंट हो गया उसके बाद हम लाइन चेंज कर देंगे और ये हमारा लूप हो गया। तो अगर हम ड्राई रन कराएं तो आई इक्वल टू 5 पहली बार के लिए, आई इक्वल टू 5 के लिए हमारा जे चलेगा 1 से लेकर 5 तक। आप ड्राई रन करा सकते हैं और 1 से लेकर 5 तक 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। जब हमने 5 स्टार प्रिंट करा दिए, एक रो में सारे स्टार्स आ गए, इसके बाद हम लाइन इसकी चेंज कर देंगे, तो आई की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी, उसके बाद आई हो जाएगा 4। अब इस बार जो जे चलेगा 1 से लेकर 4 तक, तो 4 स्टार्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे हमारा आई 5 से लेकर 1 तक चलेगा और ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।